सामने वाले को कमजोर करना है तो मैं उसके क्या पॉइंट पकड़ना चाहिए बताओ। बिल्कुल सही, अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जब हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। भाइयों मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, जो मेरे साले हैं पांच जिम है, कम से कम 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं, महेंद्र भाई जानते हैं, ठीक है। एक जिम मेरे घर के सामने ही है जो कि अच्छी खासी चलती है, लेकिन फिर भी वो क्यों कमजोर है? क्योंकि उनकी नब्ज ही मेरे हाथ में है। मेरी मुस्लिम बहनों समझ जाओ, वरना ये दरिंदे तुम्हारे जिस्म और तुम्हारे ईमान को नोच खाएंगे। ये तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, ये कहेंगे कि मुझे इस्लाम के बारे में बताओ, मुझे मुसलमान होना है, मुझे तुम्हारा बुर्का बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें ये लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम करने जा रही हूँ, किसी को मैं मुसलमान बनाने जा रही हूँ। मगर जब वो तुमसे बात करना शुरू करेगा, तुम्हारे करीब हो जाएगा, तो वो तुम्हारे ईमान को नोच खाएगा, मोहब्बत का ऐसा जाल बिछाएगा कि तुम अंधी हो जाओगी, अपने माँ बाप की मोहब्बत को भूल जाओगी, अपने इस्लाम को भूल जाओगी कि इस्लाम ने तुम्हें कितनी इज्जत दी है, और तुम उसके साथ काफिर होकर चली जाओगी और तुम अपने ईमान का सौदा कर बैठोगी। तो समझ जाओ मेरी मुस्लिम बहनों, वरना ये दरिंदे तुम्हारे जिस्म को नोच खाएंगे, तुम्हारे ईमान को नोच खाएंगे, तुम्हें काफिर बना देंगे। जब तुम इस्लाम से निकल जाओगी तब तुम्हें ये कुछ साल यूज करके ऐसी सड़कों पर छोड़ देंगे, ना तुम दुनिया की रहोगी ना तुम दीन की रहोगी, तुम यहाँ भी रुसवा होकर रह जाओगी, तुम वहाँ भी रुसवा होकर रह जाओगी। तो 2 दिन की खुशियों की खातिर अपनी जिंदगी का यूँ सौदा ना करे, अपने ईमान का सौदा ना करे, बल्कि हजरत फातिमा को अपना आइडियल बनाए और अपने माँ बाप का फरमाबरदार बने, अपने माँ बाप की बात माने, यूँ किसी काफिर की बात में नहीं आए, इनके चक्करों में न फंसे, वरना ये तुम्हारे ईमान और तुम्हारे जिस्म को नोच खाएंगे। यकीन मानो मेरी बहनों, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है, तुम्हारा ईमान हमारा ईमान है। अगर तुम अपनी इज्जत को नीलाम कर दोगी, तुम अपने ईमान का सौदा कर दोगी, तो तुम्हारे माँ बाप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आज ये लोग हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, हमारी माँ बहनों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम भटक जाओगी तो यकीन मानो तुम्हें देखकर हमारी कई मुस्लिम बहनें भटक जाएंगी। तुम्हें दुनिया में तो खुशियाँ नसीब हो सकती है, मगर कुछ सालों के बाद इसी दुनिया में तुम रुसवा होकर रह जाओगी, तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठी हूँ। फिर मरने के बाद तो तुम्हारे लिए जहन्नम का अजाब रखा है, तुम जिसके साथ भागी हो वो तो तुम्हें दुनिया में छोड़ ही देगा, मगर यकीन मानो वो जहन्नम में तुम्हारे साथ चलेगा। तो खुद की इज्जत की हिफाजत करें। अगर मेरी कोई मुस्लिम बहन ये वीडियो देख रही है, अगर आप किसी गैर मुस्लिम के टच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो यकीन मानो आज ही दूरी बना लो, वरना बाद में जाकर पछताओगी। अल्लाह हमारी बहनों को दुश्मनों के शर से बचाए।